हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव दयाल जशनानी के नेतृत्व में पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेवार के 73वें जन्मदिन पर 73 किलो का फूलों का हार पहनाकर उनका सत्कार किया गया। इस सत्कार पर जवाब देते विलास मुत्तेवार ने कहा कि पूरे भारत में कांग्रेस की डिजिटल मेंबरशिप कई करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगी और आने वाला भविष्य कांग्रेस के लिए उज्जवल रहेगा, क्योंकि जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और आम जनता की हर पल सेवा कर रहे हैं, वही कांग्रेस के कार्यकर्ता डिजिटल मेंबरशिप करने में बहुत उत्साहित है। भाजपा सरकार का तानाशाही रवैया आम जनता समझ चुकी है। आगे आने वाले चुनाव में भाजपा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के समय भाजपा नेता बोलते कुछ है और करते कुछ और है। आज सभी को मालूम हो गया है कि चुनाव के समय किया हुआ कोई भी वादा या आश्वासन भाजपा कभी पूरा नहीं करती। इस अवसर पर मुख्य रूप से कन्हैया छाबरानी, वेद प्रकाश पाहुजा, दीपक देव सिंघानी, वीरमान तलसवानी, अविनाश झाम, राधा कृष्ण झाम, ओम प्रकाश तलरेजा, शरद रेड्डी, महेश चावला, गोविंद गोधानी, लेखराज बागवानी, हीरालाल जशनानी, अजय फूलधवानी, हरीश भोजवानी, जयराम चावला, विशन तुलसवानी आदि मान्यवर उपस्थित थे। श्री यमुना सखी महिला मंडल द्वारा पूर्व वर्धमान नगर श्री गोवर्धन नाथ हवेली में श्री गिरिराज जी महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें श्री गिरिराज जी की अद्भुत झांकी के दर्शनार्थ वैष्णव जनों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर पुष्ट मार्गीय कीर्तन की प्रस्तुति से हवेली परिसर गूंजता रहा। गिरिराज को भोग धराया गया। श्री कृष्ण शरणम मम के घोष के साथ भक्तजन परिक्रमा करते रहे। मनोरथ के सफलार्थ मंडल की सरयू बेन पारेख, चंदन बेन आया, मीना बेन कारिया, रेवा बेन पटेल तथा सभी महिलाओं ने प्रयास किया। उत्तर भारतीय सभावाड़ी अध्यक्ष प्रवीण सिंह व सुष्मिता सिंह राजपूत की अध्यक्षता में फूलों की संगीतमय होली मिलन का आयोजन बाके बिहारी मंदिर साहू लेआउट में किया गया। होली के शुभ अवसर पर समाज में भारी संख्या में उत्तर भारतीय समुदाय की महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे। इस अवसर पर श्याम शर्मा, प्रज्योत मिश्रा, सनी सिंह व ग्रुप द्वारा एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किया गया। उत्तर भारतीय सभा के पदाधिकारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सभी ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए प्रेम का रंग बरसाया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री एवं पूर्व राज्य मंत्री रमेश चंद्र बंग मुख्य रूप से उपस्थित थे। क्षेत्र के प्रमुख गणमान्य लोगों का स्वागत संगठन के विदर्भ अध्यक्ष डीबी सिंह व जिलाध्यक्ष राम प्रताप शुक्ला के हाथों किया गया। उमाकांत अग्निहोत्री ने कहा कि आपसी भाईचारा सामाजिक सद्भावना से ही सक्षम समृद्ध समाज का विकास हो सकता है। इस कार्यक्रम में मान सिंह, कैलाश शर्मा, ओम प्रकाश दुबे, राकेश सिंह, आशीष दुबे, जितेंद्र मौर्य, संतोष सोनी, राहुल सिंह, कल्पना विश्वकर्मा, कुंदन यादव, प्रमोद सिंह, नीलेश गिरी, गौरव सिंह आदि उपस्थित थे। महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी मध्य रेल नागपुर ने नागपुर मंडल के आमला नागपुर सेक्शन का वार्षिक निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने निरीक्षण की शुरुआत आमला के स्टेशन यार्ड लेआउट से की। उन्होंने पैनल रूम और रूट रिले इंटरलॉकिंग का भी निरीक्षण किया। क्रू लॉबी का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने सिग्नल लेआउट बुकलेट, लोको पायलटों के लिए सेल्फ लर्निंग ऐप, हैप्पीनेस इंडेक्स सिस्टम का विमोचन किया और ऑन ड्यूटी क्रू के साथ बातचीत की। उन्होंने जलपान कक्ष, प्रतीक्षालय, स्टेशन स्टॉल, बुकिंग कार्यालय, सर्कुलेटिंग एरिया और रनिंग रूम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आरपीएफ बैरक का निरीक्षण किया और हथियारों, गोला बारूद और आधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आमला में महाप्रबंधक ने स्थानीय विधायक से मुलाकात की। इस निरीक्षण के बाद आमला और मुलताई के बीच स्टेट स्पीड रन भी किया गया। मुलताई ने महाप्रबंधक ने लिमिटेड हाइट सबवे, गैंग यूनिट, गैंग हट, गुड शेड और रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण किया। उन्होंने उद्यान का निरीक्षण कर वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने छोटी ट्रैक मशीनों और 10 किलोवाट ग्रिड सोलर प्लांट की प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जो हरित पहल दिशा में एक और सकारात्मक एवं सराहनीय कदम है। उन्होंने 150 लीटर क्षमता के 16 वाटर कूलर की भी समीक्षा की। नगर की शीर्ष सिंधी पंचायत नाग विदर्भ सेंट्रल सिंधी पंचायत द्वारा पहली बार जरीपटका स्थित स्वामी धर्मदास दरबार में नगर के सिंधी संतों, ब्राह्मणों व सिंधी दरबार के प्रतिनिधियों के साथ होली मिलन कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत के अध्यक्ष सुरेश जग्यासी एवं अन्य मान्यवरों ने की। इस अवसर पर विशेष रूप से साई केशव दास जग्यासी, संत मोहनदास ठाकुर, दादी सुशीला देवी, संत दामोदर दास, पंडित दयाल शर्मा, पंडित ताराचंद पुरोहित, पंडित सुनील शर्मा, पंडित मुरली शर्मा, पंडित राजू शर्मा, पंडित प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर पीडी केवल रमाणी,
चुन्नीलाल चेलानी आदि उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत पंचायत के उपाध्यक्ष हरभगवान नागपाल, सचिव किशोर ढिंगरा, कोषाध्यक्ष बंटी दुधानी, सचानंद हिरानी, प्रहलाद सचनानी, राजू सावलानी व धर्मदास दरबार की ओर से चुन्नीलाल चेलानी ने गुलाल लगाकर किया। पंचायत की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी अध्यक्ष सुरेश जग्यासी ने दी। उन्होंने विभिन्न पंचायत द्वारा अमल में लाई जा रही विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला और सबको होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सभी संतों, ब्राह्मणों, दरबार के प्रतिनिधियों व पंचायत के कार्यकारिणी सदस्यों ने नाग विदर्भ सेंट्रल सिंधी पंचायत द्वारा प्रकाशित होने वाले वर्ष हेतु, सिंधी पंचांग हेतु एवं पर्व, एक त्यौहार, एक तिथि पर विस्तृत चर्चा कर सहमति जताई। शिवसेना मध्य नागपुर के तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का आयोजन मॉडल मिल चौक पर माल्यार्पण करके व महाप्रसाद वितरण करके किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मध्य नागपुर उपशहर प्रमुख संजय किशोधन ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से शेखर करवाड़े, विनोद कल्याणी, सोनाली कल्याणी, उमेश निकम सभी उपस्थित थे। इस अवसर पर विनोद कल्याणी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवनी पर प्रकाश डाला। श्री अग्रसेन मंडल नागपुर के हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में प्रमोद अग्रवाल एवं लक्ष्मीकांत अग्रवाल ने जीतने पर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से रवि अग्रवाल, शंकर मुरारका, सीए श्याम मोदी, राजेश लोहिया, सीए संदीप अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, विजय लिलदिया, कन्हैया ताजपुरिया एवं अनंत अग्रवाल उपस्थित थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्वास्थ्य संगठन BAHO ने रविवार 20 मार्च को वनामती सभागार VIP रोड धर्मपेट नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आर विमला थी। रश्मि बर्वे अध्यक्ष जिला परिषद नागपुर, आशा कावड़े सदस्य सचिव DCSCN और दीक्षा भूमि महिला समिति की महासचिव तक्षशिला वाघमारे भी विशेष अतिथि थे। स्वागत भाषण डॉक्टर त्रिशला धेमरे ने दिया। धेमरे BAHO के 30 वर्षों के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष है। मनपा प्रशासन द्वारा कोविड नियमों में ढील देने के बाद ये पहला ऑफलाइन कार्यक्रम है जिसमें केवल महिला विंग के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। इतना ही नहीं, उनके बच्चों ने भी कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना से हुई। माटे और सलामे मैडम द्वारा अद्वितीय शास्त्रीय जिम्नास्टिक की प्रस्तुति दी गई। महिला सदस्यों द्वारा गायन प्रस्तुत किया गया। एक फैशन शो भी आयोजित किया गया था और जजों के एक पैनल द्वारा विजेताओं का चयन किया गया। बालिकाओं के प्रति असमानताओं को दर्शाने वाला एक नाटक भी आयोजित किया गया और समाज के दमनकारी रवैये से जूझने हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया। दुनिया भर के उदाहरण बताते हैं कि MSME क्षेत्र किसी भी देश के राष्ट्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उभरती भारतीय महिला उद्यमियों के लिए देश में कई चुनौतियां हैं। भारतीय महिलाएं न केवल शिक्षित, आत्मविश्वास से लैस, महत्वाकांक्षी, करियर उन्मुख है, बल्कि वे अपने प्रधान कर्तव्यों को भी जानती है। उनके पास प्रबंधकीय कौशल और जोखिम लेने की काफी क्षमता है। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहन के उपायों के माध्यम से महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए MSME DI नागपुर, MSME मंत्रालय और गायत्री महिला औद्योगिक सहकारी समिति लिमिटेड नागपुर ने संयुक्त रूप से दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में 25 से 28 मार्च 2022 तक महिला उद्यमियों के लिए विजन एक्सपो 2022 का आयोजन किया है। एक्सपो के पीछे अवधारणा विदर्भ में महिलाओं के लिए उद्यमिता के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, कंचन गडकरी ने कहा। एक्सपो का उद्देश्य महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए एक मंच प्रदान करना और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देकर उन्हें सशक्त बनाना है। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18+ और 45+ आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक होने वाला है। इस आयु वर्ग के सभी नागरिकों को कोविशील्ड का टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15+ आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। ये जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। ये जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। आने वाले समय में हाईवे पर सफर करना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इसे लेकर सरकार चिंतित है और एक प्लान भी तैयार कर लिया गया है।
सरकार एक निश्चित सीमा के भीतर एक बार ही टोल वसूल करेगी। टोल प्लाजा के पास रहने वाले और लगातार हाईवे पर सफर करने वाले स्थानीय लोगों को भी राहत देने के लिए उन्हें पास दिए जाने की योजना है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब हाईवे पर टोल प्लाजा की संख्या सीमित हो जाएगी, जबकि स्थानीय लोगों को अब टोल नहीं देना होगा। सरकार की यह योजना अगले 3 महीने में लागू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि सरकार आने वाले 3 महीनों में देश में टोल प्लाजा की संख्या कम करने जा रही है और 60 किलोमीटर के दायरे में केवल एक टोल प्लाजा काम करेगा। नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 3 महीने में 60 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अन्य टोल प्लाजा बंद कर दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक टोल प्लाजा के पास रहने वालों को टोल नहीं देना होगा, उन्हें पास जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी के गट नेता पद पर विधायक अमरनाथ राजूरकर तथा मुख्य सचेतक पद पर विधायक एडवोकेट अभिजीत वंजारी की नियुक्ति की गई है। विधान परिषद के सभापति रामराजे नाइक निंबालकर ने मंगलवार को सभागृह में यह घोषणा की। अमरनाथ राजूरकर नांदेड़ स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के विधायक है और एडवोकेट अभिजीत वंजारी नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा में कांग्रेस के नेता तथा राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले व वरिष्ठ नेता तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने उपरोक्त नियुक्ति के संदर्भ में पार्टी प्रमुखों के पास सिफारिश की थी। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी एच.के. पाटिल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से चर्चा के पश्चात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह निर्णय लिया है। अमरनाथ राजूरकर और एडवोकेट अभिजीत वंजारी की नियुक्ति का दोनों सदनों में कांग्रेस के सभी सदस्यों ने स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि दिसंबर 2023 तक भारतीय नागरिक चीन या नेपाल से गुजरे बिना कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक मार्ग बनाया जा रहा है जो श्रद्धालुओं को सीधे मानसरोवर तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से होकर जाने वाली सड़क न केवल समय में कटौती करेगी बल्कि वर्तमान ट्रैक के विपरीत यात्रियों को एक आसान रास्ता भी मुहैया कराएगी। गडकरी ने यह भी बताया कि उनका मंत्रालय जम्मू कश्मीर में सड़क संपर्क बढ़ा रहा है जिससे श्रीनगर और दिल्ली या मुंबई के बीच यात्रा के समय में भारी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की लागत 7,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा 4 सुरंगों लद्दाख से कारगिल, कारगिल से जेड़मोड़, जेड़मोड़ से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू का निर्माण किया जा रहा है। जेड़मोड़ तैयार हो रहा है, जोजिला टनल में पहले से ही काम चल रहा है। वर्तमान में लगभग 1000 कर्मचारी साइट पर है, वो भी माइनस तापमान में। मैंने परियोजना को पूरा करने के लिए 2024 की समय सीमा दी है। मानव सभ्यता का विकास जल संसाधनों के निकट हुआ है और मानव के समग्र विकास में जल का सर्वाधिक महत्व है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए सभी को जल साक्षरता का पाठ देना बहुत जरूरी है। यह आह्वान राज्य सूचना आयुक्त राहुल देशपांडे ने किया। वे जल जागरूकता सप्ताह के समापन समारोह के अवसर पर भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी के लिए उपयोग किए गए जल के पुनः उपयोग के साथ साथ जल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जल जागरूकता सप्ताह का समापन कार्यक्रम वनामती में जल संसाधन विभाग, विदर्भ सिंचाई विकास निगम और भारतीय जल संसाधन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में राजेंद्र मोहिते, कार्यकारी निदेशक विदर्भ सिंचाई विकास मंडल, प्रकाश पवार, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग आदि मान्यवर एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। पांडे ने कहा कि मानव संस्कृति में जल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इतिहास में देखा गया है कि जल संसाधनों के निकट ही मानव संस्कृति का विकास हुआ है। जल संकट के प्रति सभी जागरूक रहे और जल संसाधनों की अभी से ही रक्षा करें। इसके लिए नियोजित योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए। जल संरक्षण हर नागरिक का कर्तव्य है। जरीपटका स्थित जी कुमार आरोग्य धाम में स्वर्गीय लक्ष्मी माधवदास ममतानी की पुण्यतिथि के अवसर पर आरोग्य धाम हेल्थ केयर सोसाइटी के तत्वावधान में हड्डी घनत्व जांच व वात रोग शिविर का उद्घाटन श्री कलगीधर सत्संग मंडल के संयोजक एडवोकेट माधवदास ममतानी व नगर सेवक महेंद्र धनविजय के हस्ते दीप प्रज्वलित कर हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री गुरु नानक देव, भगवान धन्वंतरी व स्वर्गीय लक्ष्मी माधवदास ममतानी की तस्वीरों पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर ममतानी दंपत्ति ने पुष्पगुच्छ देकर किया। इस अवसर पर पार्षद महेंद्र धनविजय ने कहा, डॉक्टर ममतानी माताजी की पुण्यतिथि के दिन रोगियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा है, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। भविष्य में भी डॉक्टर ममतानी दंपत्ति ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं गरीबों को देते रहे।
प्रास्ताविक भाषण देते हुए डॉक्टर अंजू ममतानी ने कहा कि बढ़ती आयु के साथ मनुष्य के हड्डियों में जमे कैल्शियम की मात्रा कम होती जाती है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के समय स्त्री हार्मोन की मात्रा काफी कम होने से ये प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसके अतिरिक्त भोजन में कैल्शियम, विटामिन डी, ई, सी की कमी भी इस प्रक्रिया को तेज करती है। जिस तरीके से सरकारी नीतियां बन रही है, वे बेलगाम बड़े औद्योगिक घरानों को खुदरा बाजार पर कब्जे की तैयारी तथा ऑनलाइन कंपनी द्वारा अव्यवहारिक व्यापार करने की शैली से हमारे देश का पारंपरिक खुदरा व्यापार नष्ट हो जाएगी और व्यापारिक गतिविधियां जल्द बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा देश के बड़े औद्योगिक घरानों के कब्जे में आकर उन तक ही सीमित रह जाएगी। इसके कारण बेरोजगारी बढ़ेगी तथा अपराध व अनैतिक कार्यों में बढ़ोतरी होगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स टीम कैट नागपुर द्वारा व्यापारिक चुनौतियां एवं समस्याएं विषय पर संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने यह बात कही। येचुरी ने कहा, देश में ऐसी व्यवस्था आ रही है कि जो पूंजीवाद की तरफ सारी व्यवस्था को ले जा रही है। हमारे देश की सड़कें, रेल व्यवस्था, बंदरगाह, हवाई अड्डे जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी निजीकरण हो रहा है। उन्होंने ऑनलाइन व्यापार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक बहुत गंभीर विषय है। नीति के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े कारपोरेट घरानों द्वारा कितनी पूंजी किस व्यवसाय में लगा सकते हैं, कौन कौन से माल वे लोग बेच सकते हैं आदि नियम बनाना चाहिए, ताकि छोटे व्यापारियों को भी उनका हक मिले। समस्त जैन समाज की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था श्री जैन सेवा मंडल महिला समिति के तत्वावधान में होली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में जैन समाज की महिलाओं का होली मिलन का आयोजन इतवारी स्थित श्री पार्श्व प्रभु दिगंबर जैन मुठ्ठी मंदिर संस्था के इंद्र भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से हुई। जैन सेवा मंडल महिला समिति की अध्यक्षा एवं कार्यक्रम की संयोजिका रजनी हेमंत जैन के नेतृत्व में हौजी सरप्राइज गेम विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महिला आघाड़ी की शहर अध्यक्षा नीता ठाकरे ने की। प्रमुख अतिथि के रूप में श्री दिगंबर जैन महासमिति की राष्ट्रीय संयोजिका डॉक्टर रीचा जैन, नगर सेविका श्रद्धा पाठक, डॉक्टर रश्मि आदेश बरैया, प्रज्ञा मोदी, भावनाथ किचन की संस्थापक शेफ डॉक्टर भावना, श्री जैन सेवा मंडल के अध्यक्ष दिलीप गांधी, कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर दीपक शेंडेकर, विजय जवेरी, संजय सावंत सुखा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन बुलबुल जैन एवं आभार प्रदर्शन आशा जवेरी ने किया। मंगलाचरण के दौरान रीमी जैन ने सुमधुर आवाज में गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में वैशाली जवेरी, छाया जैन, सुकीर्ति जैन, गीता कोचर, शीला उदापुरकर आदि उपस्थित थी। कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुशासन से पालन किया गया। दी पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन का होली मिलन का कार्यक्रम पीटीए हॉल में आयोजित किया। इसमें पीटीए के मेंबर्स एवं पूर्व अध्यक्षों के साथ वही उत्पादक संघ विदर्भ पेन एंड स्टेशनरी वेस्ट पेपर डीलर के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर एफपीटीए के पूर्व अध्यक्ष महेश खंडेलवाल, असीम बुड़िया, अध्यक्ष आशीष खंडेलवाल, उपाध्यक्ष ललित सूद, सचिव हर्षित बंसाली, सहसचिव किशोर खुशलानी, पूर्व अध्यक्ष पी चंद साहनी, सुधीर जैन, मनोज बिड़ला, सतीश आहूजा, मेंबर्स विनोद फत्तेपुरिया, रमेश गुप्ता भोयर, राजेश खंडेलवाल, विजय खुशलानी, मनीष हटेवार, प्रतीक जैन, मनोज जेजानी, विजय शनिवारे, शरद जेजानी, नरसिंह साचा, गोपाल केयाल, प्रमोद सावल, वाघमारे, विनीत शाह, दिलीप जैन, नीरज खंडेलवाल, किशोर देशमुख, सतीश जखोइया, तुलसी खुशलानी, नीरज जखोटिया आदि उपस्थित थे। इस रंगारंग प्रोग्राम के आयोजन को सफल बनाने के लिए सचिव हर्षित भंसाली एवं अध्यक्ष आशीष खंडेलवाल ने सभी को धन्यवाद दिया। अकादमिक डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कालड़ी केरल का हिंदी विभाग एवं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी और मलयालम का भक्ति साहित्य सांस्कृतिक पुनर्पाठ विषय पर द्विदिवसीय राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी का आयोजन आज एवं कल किया जा रहा है। संगोष्ठी का उद्घाटन एवं बीज भाषण आलोचक एवं केरल विश्वविद्यालय की पूर्व विभागाध्यक्ष एवं डीन प्रोफेसर एस टंकमणि अम्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आज सुबह 10:30 बजे हुआ। संगोष्ठी में सहभागिता करने की अपील संगोष्ठी के समन्वयक हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के प्रोफेसर डॉ. कृष्ण कुमार सिंह एवं श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कालड़ी केरल के हिंदी विभाग की प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉ. के. श्रीलता ने की है। संगोष्ठी में प्रतिष्ठित आलोचक और साहित्यकार अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा
व ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को कन्फर्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली गाड़ी संख्या 22648 22647 कोच्चुवेली कोरबा कोच्चुवेली एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त AC 3 टायर कोच की सुविधा स्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा गाड़ी संख्या 22648 कोच्चुवेली कोरबा एक्सप्रेस में 7 अप्रैल 2022 से तथा गाड़ी संख्या 22647 कोरबा कोच्चुवेली एक्सप्रेस में 9 अप्रैल 2022 से स्थायी रूप से उपलब्ध रहेगी। फिरोजपुर छिंदवाड़ा फिरोजपुर गाड़ी नंबर 14624 14623 में 03 अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा 3 माह हेतु प्रायोगिक तौर पर रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा व ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को कन्फर्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु गाड़ी संख्या 14624 14623 फिरोजपुर छिंदवाड़ा फिरोजपुर पातालकोट एक्सप्रेस में 3 अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा अस्थायी रूप से 3 महीने के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा गाड़ी संख्या 14624 फिरोजपुर छिंदवाड़ा एक्सप्रेस में फिरोजपुर से 26 मार्च से 25 जून तक प्रायोगिक तौर पर उपलब्ध रहेगी। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।